हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, आज है 11 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। तो पता नहीं, मुहूर्त के हिसाब से तो लोग बोल रहे हैं रात को शुरू हो रहा है और फिर रात को ही खत्म हो रहा है। 11 को, 11 और 12 के रात में ही है, लेकिन रक्षाबंधन तो 11th को मना रहे हैं। इंडिया से मेरी बात हो गई है, मतलब कई लोगों से, तो वो लोग कह रहे हैं कि 11 को ही मना रहे हैं, तो हम लोग भी 11 को ही मना रहे हैं, तो अच्छा है। और जैसा कि हमेशा होता है, मैं वीडियो शुरू नहीं कर पाती हूँ। छोटे छोटे आप वीडियो अगर ब्लॉग शुरू नहीं करते हो तो फिर वीडियो बन ही नहीं पाती है, तो मैं शुरू करती हूँ। जी हाँ, मैंने वीडियो शुरू कर दी है। और ये देखिए, मैंने घर एकदम क्लीन कर दिया है, और जो कि अच्छा लगता है थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा चंगू मंगू को मैं धनिया लेने के लिए बाहर भेजा था, भाई के साथ आ गया था। कह रहा है कि भाई मेरा फ्रेंड है, थोड़ा सा प्यार आज ज़्यादा हो रहा है ना। ये तो धनिया और मिर्ची, हरी पत्ता, और ये यहाँ रखती हूँ। दोस्तों बहुत सारा काम मैंने फैला लिया है। ये देखिए, मैंने अभी चाय भी फिनिश नहीं की है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप समझ गए, पकौड़े। तो ये कल शाम को जो बना था खोया, ये देख पा रहे हैं पतिदेव बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उस दिन खोया बना था ना सोमवार को, तो उनको इतना पसंद आया था, तो कह रहे हैं कुछ बनाते हैं। तो इसमें ज़्यादा खोया उन्होंने जला के रखा है, और सुबह उनका जो टिफ़िन लेके गए थे इसमें है। और मैं किचन में ये देखिए पकोड़े बनाने जा रही हूँ। और प्लान क्या है, कढ़ी पकोड़ा बनाने का, ये तो बाद के लिए है। एक्चुअली थर्सडे फ्राइडे आता अगर सब्जियाँ नहीं रहती, तो थोड़ा सा इस हिसाब से चना भिगो दो, ये मूँग भिगो दो, ऐसा चलता है। और बस कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल झटाझट, क्योंकि घर का साफ सफाई। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कपड़े भी आज दो बार लग रहे हैं। एक बार का तो हो चुका है, और दोबारा का ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो बस सारी साफ सफाई करने में ही बहुत सारा, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, टाइम निकल जाता है। और ये देखिए, इस रूम की ये हालत है, तो ये रूम भी साफ हो गया है। और ये है दुबई। दुबई कैसी है, हेलो कर दीजिए दोस्तों, हेलो। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। प्लान है भजिया खाने का, और भजिया मतलब आधा तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा खाने में, और थोड़ा कढ़ी में डालेंगे सिंपल जीरा। मिर्ची पाउडर, थोड़ी हरी मिर्च भी जाएगी इसमें, इसीलिए ये देखिए भजिया का कलर आ रहा है। ये देखिए, ये बेसन में अलग से हमेशा ना थोड़ा सा पहले से ही इसको भिगा देती हूँ, तो ये बड़ा आसानी रहती है। कढ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा ही बेसन चाहिए, वो ग्रेवी के लिए, तो इतना मैं रख दे रही हूँ। आ जा दो, गर्मा गर्म भजिया बन रहा है भाई, भजिया। ये देखो, थोड़ा सा अभी पानी में मिला के ग्रेवी लगाने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, बेसन में मैंने पानी डाल के रख दिया है, और ये दही भी डालूंगी मैं, तो ये थोड़ा सा बेसन मैंने ग्रेवी के लिए। ये देखिए कलर इसका, बहुत ही मस्त भजिया बनाएंगे। ये देखिए, तब तक मैं ना, जब तक तेल गरम हो रहा है, लहसुन अदरक और मिर्ची अच्छे से कूट लूंगी तड़के के लिए, कढ़ी में कड़ी पत्ता भी डालूंगी। चलो भाई, तेल हो गया, सब लोग दूर हट जाओ। ये देखो, हैप्पी रक्षाबंधन। ये देखिए, मैं दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, मेरी आंखें देखिए, और गेट बंद हो गया। तो ये होता है जब कुकिंग करो और कुछ ऐसा, तो ये जो फ्लपीनेस है, ये तब आती है जब आप ऐसे दबाते नहीं हो, प्रेस नहीं करते हो ना, तो ये होता है, इसको कहते हैं परफेक्ट भजिया। दोस्तों आपको दिखाने के चक्कर में जल ना जाए। और चलो इन लोगों को दे दूं, ये देखिए गेट बंद है। कैसे कैसे मैनेज करके मैंने गेट खोला है, कोई नहीं आना चाहता। पकोड़े की लालच है कि नहीं, ले लो पार्सल पार्सल बहुत यम्मी है। यहाँ पे देखे, अंश कपड़े डाल रहे हैं,
तो यही सब काम दिन भर का तो होता ही रहता है। और मैं आपसे क्या कह रही थी कि अभी देखिए कढ़ी पक रही है मेरी, और मैं आपके थोड़ा सा बैठी हूँ। किचन में बहुत गर्मी हो जाती है, किचन में जरा भी एसी नहीं होती, और इन सभी कपड़े यहाँ मेरे सामने डाल रहे हैं, तो ये गेट भी बंद किए हैं कि इतना खोल देंगे तो वो पूरा रूम गर्म हो जाएगा। तो इस तरह की गर्मी हो रही है, लेकिन अंदर एकदम नहीं पता चलता। मुझे लास्ट ईयर याद है, राखी पे मैं ना इंडिया में थी, और मैंने ब्लॉग भी किया था जो थोड़ा बहुत शेयर किया था, और पूरे टाइम मैं पसीना पोंछ रही थी, और न्यू कपड़े येलो कलर का वो सूट मैंने इतने शौक से मंगाया था, राखी के दिन पहनूंगी ये वो सब इंडिया में होता है, और भाई साथ में रहे और राखी बांधनी है तो वो एंथू आता है, यहाँ पे नहीं आता है। और यहाँ पे तो मतलब ये लोग बांधेंगे अपना, हमारा तो ये प्लान है कि मतलब सब चारों कम से कम साथ में रहें, तो अभी ये मतलब 1 बजने वाले हैं और हस्बैंड जब आ जाएंगे तो साथ में ही बांधेंगे हम लोग, तो ऐसा ही है, खाएंगे पिएंगे और ऐसा ही फेस्टिवल, यहाँ पे तो ऐसा ही रहता है। इंडिया में मजा, इंडिया का मजा ही कुछ और है, और यहाँ पे क्या है आपको कहीं भी कुछ पता ही नहीं चलता, और रहते रहते फिर आपका भी इंटरेस्ट फेस्टिवल्स के प्रति अगर अकेले ही हो तो चला ही जाता है। वीकेंड पे अगर कोई फेस्टिवल पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ ही सकते हैं इतना नहीं रहता है फिर। और बहुत सारी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़, आपको इंडियन कपड़े चाहिए, आपको साड़ी चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ के लिए यहाँ पे सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, चूड़ी ये वो। और इंडिया में मतलब आप कितना लोगे, मतलब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं, और क्या चाहिए इस बार, कैसा लुक है लोग बनाते हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। इंडियन कपड़ों के लिए तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप थोड़ा बहुत 1-2 साल से मुझे देख भी पा रहे हैं, और वैसे भी इतने साल से, 8 साल से मैं जब भी फेस्टिवल्स आते हैं ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, क्या पहनूँ, कैसे पहनूँ, कैसा दिखना है, क्या चल रहा है इंडिया में, मुझे वही नहीं पता होता है। तो बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें, मैं आज तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इंडिया में मतलब नहीं है तो क्या हुआ, मतलब मुझे आज तक उसी तरीके से मैं जुड़ी हुई हूँ, और बहुत दुख हो जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्यों नहीं मिल रहा है ये, नहीं मैं चूड़ियाँ नहीं पहन पा रही हूँ, मैं साड़ियाँ नहीं पहन पा रही हूँ, मैचिंग नहीं मिल रहा है, सिलाई नहीं हो पा रही है, तो ये सब चीज़ें मुझे आज तक बहुत परेशान करती है। तो यही है फॉरेन कंट्री के जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये सब कॉन्स हैं। चलो इमोशनल भी हो जाती हूँ मैं तो। ये देखिए कढ़ी हमारी पक गई है, लास्ट में इसमें मैं नमक डालती हूँ हमेशा ही। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, और एकदम पतली कढ़ी। अंश को एक्चुअली कढ़ी बहुत पसंद है, तो बहुत दिन से था ही कि बनाना है, तो कभी कढ़ी छोले, जैसे मैंने अभी छोले भिगा के रखे हुए हैं, तो इतना पकौड़े मैंने बचा लिए हैं और सारे मैं डाल रही हूँ। अभी नमक मैं टेस्ट करूँगी, और भी नमक कम ज़्यादा होगा तो डाल दूँगी, और बस अब मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। ये देखिए ये वाला माला अभी आज मैंने पहनाया है, भगवान जी को भी राखी बांध ली हम लोगों ने। हाँ, और यहाँ पे कृष्णा जी का नया ये वाला फोटो भी मैंने रखा है, और अद्दू एकदम रेडी हो चुके हैं। हाँ, पूजा हो गई है, अद्दू हो रहा है। कौन आ गया? हस्बैंड। किसके हस्बैंड? आपके। कितना हम लोग इंतजार कर रहे हैं पता है? तो ये देखिए, हाँ और क्या, ये देखो हम लोगों का एक्चुअली रक्षा ये है, राखी अंश। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए हम तीनों तैयार हैं, और पापा एकदम नहीं तैयार हैं, आपको दिखा ही नहीं सकते अभी। तो कैसे लग रहे हैं हम लोग, रक्षाबंधन की तैयारियां हो चुकी है। आज सच में लड़ाई नहीं हुई ना, भाई है आपका बाबू, प्यार कर लो, प्यार कर लो। अच्छा देखो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। ये मेरा ड्रेस मेरी भाभी ने दिया था, मुझे लग रहा है कि आज से 4 साल पहले, तो मुझे लगा कि आज यही पहन लेती हूँ। वैसे भी मेरी तो इंडियन कपड़ों की बड़ी किल्लत ही रहती है, और मैं आज पहन रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है भैया भाभी ने कुछ दिया है ऐसा, तो वही है ड्रेस। और हाँ, 2018 में मैं उनसे मिली थी, मतलब इतने इतने दिन बीत जाते हैं देखिए मिले हुए, लेकिन यादें तो यादें हैं। और ये पहनने के बाद मुझे पूरी अच्छे से फीलिंग आ रही है उस टाइम की, कितने प्यार से उन्होंने दिया था। और यहाँ पर देखिए ये राखी की थाली मैंने तैयार की है। चलो अंश, राखी बांधना शुरू करते हैं। हाँ अब ये से सही है। हाँ ये हाँ शुरू, यस दिया जल गया। तुम उसको दिखाओ, वो तुम्हें एक दूसरे को दोनों लोग पकड़ लिए। चलो
अरे वाह, पूजा हो रही है। आप भाई की पूजा कर लो, भाई की। लड्डू हिल रहा है। पहले किसका? मैं खुद ही कह रहे। चलो तो मैं अभी अद्दू की बारी है। अद्दू बड़े भाई को बांधेगा, पहले अपना बंधवाया है, कह रहा है कि पहले मेरा। चलो भाई, मम्मा आपकी हेल्प करेगी। बाबू आपको नहीं आता तो ठूस दिया लड्डू भाई। लड्डू दोनों को बहुत पसंद है ना, शक्तियां हैं। क्या कह रहे? शक्तियां हैं इसके अंदर, पावर्स आ गई हैं। अंश अपना दिखाओ। मेरे पास पावर्स आ गई। राखी बहुत सुंदर है यार, मतलब आप लोग रखोगे ना तो मुझे लग रहा है महीनों 6 महीने तो चलेगा ही। अभी प्रॉमिस हो गया कि लड़ाई वड़ाई नहीं करोगे अद्दू, ठीक है? ठीक है अद्दू, हाँ बोलो। हाँ। वीडियो में हाँ बोल दिए हो, समझ लो। चलो भाई, इन लोगों का पूरा लुक ये देखिए, ये था। और अद्दू को बड़ा मन था कि भाई के जैसा पिंक मिलना चाहिए ना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कैसे कैसे सेनापति बन रहे हो भाई। सेनापति है। अभी पापा को बांधा जा रहा है, पापा को बीच में बैठा होते तुम लोग किनारे किनारे बैठते ना। अच्छा। कौन बांधेगा पापा को? दोनों लोग। चलो भाई, अभी पापा के साथ राखी। चावल चिपकना बहुत जरूरी है। देखे चिपका तो है, जोर से चिपकाना पड़ता है। अरे वाह, आरती ये वाली, ये पूरी थाली वाली। हाँ पूरी थाली से उतार दो। और लड्डू है ना? हाँ, हाँ, है ना, है लड्डू, खिला देना। पापा की तरफ देखो थोड़ा। अरे वाह 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 वाह, रक्षाबंधन आप सबको। और आप लोगों ने अपने घर में रक्षाबंधन कैसे मनाया जरूर बताइएगा। और हमारे एकदम बढ़िया। और अद्दू महाराज तो बहुत ही खुश हो गए, इनको बड़ा। लास्ट ईयर तो पता नहीं क्यों गुनगुन के साथ खेलते खेलते रोने लगे थे, लास्ट ईयर का वीडियो आपने देखा होगा। रक्षा गुनगुन आई थी आपको रक्षा बांधने, याद है? मुझे याद। तो सारा मजा तो भाई इंडिया में रहता है, यहाँ पे तो यही है मजा। मतलब आपको अपना क्या बोलते हैं, अंदर से आपस में ही मजा बनाना पड़ता है, स्ट्रांग रहना पड़ता है कि आज फेस्टिवल है, आज ये, आज हमारा ये। लेकिन वैसे मजा आता नहीं है, पता ही नहीं चलता कि फेस्टिवल है यहाँ पे। लेकिन ऐसे हमारे घर में तो पता चल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। सब लोग थक गए मुझे लग रहा है कुर्ता पहन के, और कुर्ता निकाल देंगे तो एंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी कर देते हैं। हो सकता है ब्लॉग इसके बाद भी मैं कंटिन्यू रखूं। लाइक करने के लिए तैयार। चलो बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।